अजीत, ये तो तेरे बाप की आवाज है। लेकिन वो नीचे तहखाने में क्या करने चले गए? समझ में नहीं आता है क्या हो गया उन्हें। डैड, 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 अरे अजीत, अरे चुप रहो, कुछ नहीं हुआ डैड को। डैड क्या हो गया इनको, क्या हो गया बेटा? बोल मैं माँ, मेरी समझ में नहीं आता कि आधी रात को बिस्तर से उठकर ये तहखाने में क्या करने चले गए। समझ में नहीं आता है मेरे। अरे अरे क्या हो गया आपको? अरे बेटा, इनका बदन तो बुखार से पूरी तरह तप रहा है। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। जा जा बेटा, जा। शौक नहीं गया। जब से अनीता इस घर से गई है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस घर में। मनुष्यत सी छा गई, मनुष्यत सी। पहले तो पिताजी ने इतनी बेदर्दी से उस बेजुबान जानवर को मार डाला, और अब मां को मारने की कोशिश की। मुझे लगता है कि डैड पर किसी बात का बहुत ही गहरा असर हुआ है, जिसकी वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। लेकिन उनकी आंखें कैसे बदल गई? उनकी आवाज को क्या हुआ? और उन्होंने मुझे मुझे मारने की कोशिश क्यों की? नहीं मां, नहीं। भाग्यवान, लगता डैड को होश आ गया है। चल। अरे सब लोग कहां चले गए? ठीक तो है ना?
क्यों? क्या हुआ तुमसे? आपने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे सारे जेवरात नोच लिए, देखो क्या करके रखा आपने। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ डैड, अगर मैंने और रोहित ने आकर माँ को ना बचाया होता तो आपने तो माँ को मारी डाला होता। आपके सिर पे खून सवार हो गया था डैड, पागलों की तरह हरकत कर रहे थे आप। मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं। कौन आया पापा? आती हूँ बाबा, आती हूँ। बेल बजा रहे हैं। ये इंस्पेक्टर साहब, आप? मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है मेरे साथ। कैलाश नाथ जी, आप? बात क्या है? बहू का कुछ पता चला? हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ 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 हाँ, आइए ना, आइए आइए। मिसेस बोस, मिस्टर कैलाश नाथ को आप लोगों पर शक है। शक? कैसा शक? इनका कहना है कि इनकी बेटी अनीता किसी साजिश का शिकार हुई है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें इतना पता है कि अनीता इस घर से लापता हुई, अब वो कौन से साजिश का शिकार हुई, किसके साथ भाग गई, हमें क्या पता है? झूठ बोल रही है आप। मेरी बेटी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे मेरे नाम पर धब्बा लगे। उसके साथ जरूर आप लोगों ने कोई गलत हरकत की है। गलत हरकत की उसके साथ? अरे बेटी की तरफदारी तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो बड़ी सती सावित्री थी। सच पूछिए तो वो लड़की हमारे खानदान के लायक बिल्कुल थी ही नहीं। अरे ना जाने कितने यार पाल रखे थे उसने। खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक भी गलत शब्द निकाला तो छोड़ दीजिए ने। क्या कर रहे आप? अरे बड़े शर्म की बात है इंस्पेक्टर, ये गुंडा घर में घुसकर एक सड़ी मर्दी के गिरेबान पर हाथ डाल दिया और पुलिस खड़ी खड़ी गिरती रहे। बॉस, इन्होंने जो इल्जाम आप पर लगाया है उसके मुताबिक मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछने आया हूँ। कौन से कानून की किस दफा के तहत आप यहाँ सवालात पूछने आए हैं? मिस्टर कैलाश नाथ ने इल्जाम लगाया है आप लोगों पर। कैसा इल्जाम? यह शक है कि इनकी बेटी लापता नहीं हुई बल्कि उसे घर छोड़ जाने के लिए मजबूर किया गया, जुल्म ढाए गए उस पर। सिर्फ इनके बेबुनियाद इल्जाम के बिना पर आप यहाँ सवालात करने आ गए? कम ऑन इंस्पेक्टर, कानून की वर्दी पहनते और कानून की बंदिशों से वाकिफ नहीं? मैं कानून की हर एक बंदिश और उसकी बारीकियों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं मिस्टर अजीत। सिर्फ वाकिफ होने से कुछ नहीं होता, उन पर अमल करना भी सीखो। और शायद तुम्हें पता नहीं कि बिना सबूत और गवाह के किसी पर इल्जाम लगाना भी एक जुर्म है। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर अजीत, और अगर नहीं जानता होता तो ना जाने आज कौन कौन जेल की रोटियां तोड़ रहा होता। कैलाश नाथ, अब हमें यहां सबूत और गवाहों के साथ ही आना होगा। चलिए। बेटा अजीत, ये हवा उल्टी तरफ से कैसे चलने लगी? कहीं इंस्पेक्टर का बच्चा हमें जेल ना पहुंचा दे। डैड, इस इंस्पेक्टर से कहीं ज्यादा कानून की किताबें मैंने पढ़ी हैं, और कानून वाले को कानून के दायरे में फंसाना इतना आसान नहीं होता। आप फिक्र मत कीजिए, ये इंस्पेक्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
कहा अनीता। अनीता तुम? हाँ मैं। मुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो। लेकिन लेकिन तू तो मर चुकी थी। मरी नहीं थी, मारा गया था मुझे। सिल्डा आग में जलाया गया था मुझे। मैं अनीता नहीं बल्कि अनीता की भटकती हुई आत्मा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। याद करो किस तरह मारा था तुम लोगों ने मुझे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी तत्परी चीखे आग की लपटों में दब कर रह गई। अब मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये तू क्या कह रही है बेटी? जिस तरह मेरी आहों ने इस बंगले की चार दीवारी में दम तोड़ दिया था, उसी तरह तुम लोगों की आहें, तुम लोगों की चीखें इस बंगले में दम तोड़ देंगी। जलाया था ना तुम लोगों ने मुझे, अब मैं तुम लोगों को जलाऊंगी। अरे कौन आई थी? अनीता आई थी। आई? अनीता? अनीता, उसके हाथ में एक मशाल थी। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी वो हमें जिंदा जला देगी। आई? अरे भाग्यवान, मैं तो समझता था कि मैं अकेला ही सटिया गया हूँ। अब तो देख रहा हूँ कि मेरे साथ साथ तू भी सटिया गई है। अरे उसे तो हम लोगों ने जिंदा जला दिया था, वो कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, वो अनीता नहीं थी, अनीता की आत्मा थी। वो सच कह रही थी, वो हमें मार देगी, हमें जिंदा जला देगी। अरे चुप, क्या बक रही है तू? अरे तूने जरूर कोई सपना देखा? जा सो जा, आत्मा ना तेरा सर। क्या बात है? अरे तू खाना क्यों नहीं खा रहा? डैडी, अनीता को लापता हुए आज 10 दिन हो गए, अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वालों ने कहा कि तलाश अब तक जारी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये तलाश कब खत्म होगी। भाग्यवान, क्या हुआ?
बिटिया रानी है, सासू जी ने प्यार से चावल लाया, दाल लाया, है? बना बना के लाया। भूख लगी, खाना खाएगा? दो दिन खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी।